हेलो जी, आज हम जो सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं वो है प्याज और मलाई की। जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो हम वो सब्ज़ी बना सकते हैं और इतनी चटपटी और इतनी टेस्टी बनती है कि आप बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, आप खाएंगे तो बार बार बनाएंगे वो सब्ज़ी। तो मैंने पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डालें, उसके बाद जीरा जीरा डालें, एक तेज़पत्ता और ये दालचीनी छोटी सी, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। एक पिंच हींग, इसको अच्छे से हम जीरे को थोड़ा सा भून लेंगे। अगर आपके पास कलौंजी है तो आप थोड़ी सी कलौंजी भी डाल दें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। जीरे को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। हमारा जीरा हल्का सा भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, अच्छे से मिक्स करें। हमने इनको भुनना नहीं है, रेड नहीं करना है, हल्का सा हमने इनको सॉफ्ट करना है। हल्के से इनको हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम इनको पकाएंगे। अगर आपके पास तेज पत्ता नहीं है और दालचीनी नहीं है तो आप जीरे का जीरा भी डाल सकते हैं, और कलौंजी भी नहीं है तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। एक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे फिर ज़्यादा स्पाइसी खा नहीं पाते हैं। ये अदरक है, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इससे खुशबू बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी हमारी सब्ज़ी में, क्योंकि इस सब्जी के अंदर कोई और सब्जी मिक्स नहीं होगी, सिर्फ प्याज ही हुआ है। बहुत ही टेस्टी बनती है प्याज के साथ मलाई के साथ, एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। ये देखिए हमारी जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, मैं हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, मिर्च कम डालें, पहले भी हमने डाली हुई है इसमें। टमाटर इसमें ऑप्शनल, अगर आपके पास टमाटर डालना चाहे तो आप डाल भी सकते हैं और ना डालना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं। मैं इसमें एक टमाटर डाल रही हूँ, एक छोटा सा मैंने कटा हुआ टमाटर इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 2 से 4 मिनट तक हम इसको ढक के रखेंगे ताकि हमारी जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट हो गए हैं, देखिए हमारी सब्जी अच्छे से रेडी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर भी। टमाटर आप चाहें तो डालें, चाहें तो मत डालें, टमाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्याज और मलाई से भी बहुत अच्छी है। अब इसमें मलाई डालेंगे, ये फ्रेश मलाई ली है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मलाई डालने के बाद आप इसको कंटिन्यू चलाएंगे, नहीं तो मलाई फट सकती है। इसको कंटिन्यू हमने चलाना है कम से कम 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर। देखिए हमारी प्याज और मलाई की सब्जी तैयार है, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और डलेगी। अब हम गैस को बंद करेंगे, मैंने गैस को बंद कर दिया है, इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। गैस को बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेश दही, एक कटोरी फ्रेश दही। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। दही को हम गैस बंद करके, जब हम इसको बंद करके रख देंगे तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जानी चाहिए। गैस की आंच पर हमने दही को नहीं पकाना है क्योंकि ये अभी इतनी गर्म है, और अब इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। 5 मिनट ढक के रखने से क्या है ना कि दही जो है उसमें अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें हल्का सा तड़का लगाएंगे। मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। अब हम एक अलग से पैन लेंगे, उसमें मैंने थोड़ा सा घी मेल्ट कर लिया है, मैं इसके अंदर थोड़ी सी सरसों,
पे मैंने करी पत्ता ली है, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी सरसों अब चटकने लगी है, अब हम इसको उसके अंदर डाल देंगे। देखिए हमारी प्याज मलाई और दही की जो सब्जी है वो एकदम से तैयार है खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी।